शादी भी तो नहीं हुई उसकी, हालांकि सब कुछ तो तय था। कैसी शादी? उसकी शादी के कार्ड्स छप चुके थे। अम्मा, ये देखो, ये मोहित का अपॉइंटमेंट लेटर। इतना खुश कि क्या बताऊं। ढेर सारे ख्वाब थे मेरे बेटे के, ये करूंगा वो करूंगा, आपको ये लेके दूंगा वो लेके दूंगा। ये देखो कितना खुश था ना। बहुत खुश रहता था मेरा बेटा, यहां बैठा करता था लैपटॉप के साथ। आपा बस करे, बहुत हो गया। तुम्हें पता, मैं हर रोज इस कमरे का दरवाजा बंद करती और ये वादा करती हूं अपने साथ कि दोबारा मैं इस कमरे में नहीं आऊं। लेकिन पता नहीं कैसे हर रोज रात को मोहित के कमरे का दरवाजा खोल जाता है। हुमा, क्योंकि आप खोलती हैं आपा। नहीं नहीं हुमा, मैं नहीं खोलती, बखुदा मैं नहीं खोलती, खुद बखुद खुल जाता है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई रहता है, जैसे जैसे वो यहाँ से गया ही नहीं। आप बस मेरे साथ अमेरिका चले, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। आऊंगी, लेकिन पहले एक दफा मोहित अपना मुकदमा तो जीत ले। आपा, ये पाकिस्तान है, ये इंसाफ नहीं मिलता। वो जमानत पर बेशर्मी के साथ बाहर घूम रहे, आप समझती हैं आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा ना इंसाफ, जब मुकदमा चलेगा ना अदालत में, तो मेरे मोहित को इंसाफ मिले। देखना वो मुकदमा जीत लेगा। आपा, इंसाफ के लिए गवाह और सबूत चाहिए अदालत को, आपके पास है गवाह और सबूत? हाँ, अदालत को गवाह और सबूत चाहिए। मेरे पास गवाह है ना, सोफिया है ना, सोफिया गवाह है, वो जानती है हुमा, वो जानती है मोहित के कातिलों को, वो जानती है। आपा, वो आप समझती हैं सोफिया अपने बाप और भाई के खिलाफ गवाही देगी, आपको इंसाफ दिलवाएगी? हाँ ना, क्यों नहीं साथ देगी, उसी ने तो FIR दर्ज कराई थी अपने अपने बाप के खिलाफ। तो फिर वो कहाँ है, गायब क्यों है? उसे कैद कर दिया हमने, क्योंकि उन्हें खौफ है कि वो अदालत में आकर उनके खिलाफ गवाही देगी। उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो खौफ ज़दा है। वो जानते हैं कि उनके खिलाफ गवाही देगी हुमा। एक दफा वो आ गई ना तो सबको सजा मिल जाएगी हुमा, मुझे पूरा यकीन है मोहित के कातिलों को सजा मिलेगी। मुझे यकीन है उन्हें सजा मिलेगी, मोहित को इंसाफ मिलेगा। बेटा मुझसे छीन लिया उन्होंने, आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? इस तरह बार बार फोन करके मुझे क्यों तंग कर रही हैं? देखिए, मैं आपसे सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, मैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं आपका नाम भी नहीं लूंगी अगर आपको इस बात का खौफ है तो। मुझे कोई खौफ नहीं है,
लेकिन इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं सारे मामले के बारे में। मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपकी और सोफिया की शादी कब हो रही है। मेरी और सोफिया की मंगनी खत्म हो चुकी है। क्यों? बड़ा मकाना सवाल है आपका। जो गन मीडिया सोफिया और सेट्रीस के बारे में उछाल रहा है उसके बाद मैं किस तरह से शादी कर सकता हूँ? भाई देवे, मैं तो शुरू से शादी के हक में नहीं था। आप इसे पहले शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि मुझे उसके मोहित के साथ अफेयर के बारे में पता चल चुका था, और फिर जब मोहित ने कॉल करके मुझे धमकियां दी और अपनी और सोफिया की तस्वीरें मुझे भेजी थी, तो फिर मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी ना रही। मगर क्योंकि मेरे वालिदैन की मर्जी से रिश्ता हुआ था तो मैं उनकी खातिर रिश्ता निभाता रहा। उसने आपको नामुनासिब तस्वीरें भेजी और आपको फोन कॉल करके धमकियां भी दी? हाँ। आप वो नंबर मुझे दे सकते हैं? नहीं, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, प्लीज। देखिए, हो सकता है वो मोहित ना हो और आप वो नंबर ना देके सोफिया की जान को खतरे में डाल रहे हैं। सोफिया की जिंदगी? वो कैसे खतरे में हो सकती है? आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी सोफिया से? वैसे हमारी बेटी है कहाँ? आए हैं तो उससे भी मिलने? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो पता है उसको दमे का मसला है, इसको जरा आराम करने की जरूरत है। वैसे अगर आप लोग बता कर आते ना तो वो जरूर मिलती है आपसे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आप ये कहना चाहती हैं कि सुफिया जिंदा नहीं है? I don't think so. शायना, मैंने वो नंबर लोकेट कर लिया। Oh my God, that's amazing. मोहित का नंबर तो नहीं है? नहीं, कोई सुल्तान दाद है का एड्रेस। सुल्तान दाद? इससे मोहित का क्या ताल्लुक? नो, मुझे पता था कि सईद हमसे झूठ बोला और उसने मुझे गलत नंबर दिया है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इससे भी ज्यादा एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। क्या? ये सुल्तान दाद एक लड़के काजिम का गार्ड है। तो? और ये लड़का काजिम मिस्टर आशिर रईस का बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सईद को जो कॉल आ रही थी वो भी आशिर करवा रहा था। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन शायना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि काजिम का सारे मामले से क्या ताल्लुक है, और ये सुल्तान दाद और काजिम मोहित के मर्डर में इन्वॉल्व तो नहीं है। राइट, पजल के पीसेस अब जुड़ते जा रहे हैं सर। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर।